हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजाज पेंट्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन 4.52% का नेगेटिव मूव, 537.75 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल मीडियम टू स्मॉल साइज की यहाँ पे बॉडी बनी है, दोनों के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई 32-33 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो मैं आ रहा हूँ 549 के आसपास देखने मिले और उसको भी क्रॉस करते हैं ईजी मूव हमें जो है वो 566 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बना के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या दिखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर मार्क करने होंगे डिफरेंट। यहाँ पे इस रेंज में हमने स्टॉक का जो कोई बीच में एनालाइज नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जूम करके बात करता हूँ इसके क्लोजिंग के। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 536.90 पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 535.50 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 538.45 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 531.90 का, उसके बाद क्या है 528.35 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 542.25 का, उसके बाद क्या है 546.55 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ मेरा ओपन स्टॉक में जरूर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग का 538.45 से लेकर 542.25 के रेंज में क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो और भी जो स्टॉक ऊपर आते हैं देखने में मिल सकता है। बाकी ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग में कल के दिन जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।